सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा श्री बाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निरभिघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गाय नमः। ध्यान ॐ बालर विद्युति बिन्दु करेता महासुरेन्द्र चेन्द्रासुरभरगमता कात्यायनेन्दोष्टभरेष्टलाभ विकाशिभक्त्राज विकाशिदाशः देवे प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसेदविश्वेश्वरिपाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य आधारभूता यदा स्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपासि तया त्वयैता आप्यायते कृत्समलाङ्गवीर्यै त्वं वैश्वभिशाक्तिरनन्दवीर्यां विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समासमेता त्वं वै प्रसन्ना भूमिमोग्निहेतुः विद्या सर्वभूता यदा देवे स्वर्गमूर्ते प्रदायणे त्वं सदा सुखकामा भवन्तो परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवे नारायणि नमोऽस्तुते कराकाशादिरूपेण परिणामप्रदायणे विश्वस्य परतो शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिश्रीविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरे देवे नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्य ब्रह्माणि रूपधारणे कोशाम्बाक्षरिके देवे नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचण्डाधरे महामृषभवाहिने माहेश्वरि स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुटभृद महाशक्तिधरे नखे
कौमारे रूप संधारे नारायण नमोस्तुते शंख चक्र गदा शंग गृहीत परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवे रूपे नारायण नमोस्तुते गृहीतोग्र महाचक्र द्रष्टादृशभ सुन्दरे वराहरूपणे शिवे नारायण नमोस्तुते नृसिंहरूपेण हङ्कं गत्यामे त्रैलोक्यत्रानसहिते नारायण नमोस्तुते किरीटने महावज्र सहस्रनयनज्वले वृत्रप्राणारे चन्द्र नारायण नमोस्तुते शिवज्योति स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायण नमोस्तुते दष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डमुण्डमदने नारायण नमोस्तुते लक्ष्मीलज्ज महाविद्य शब्दभूषे सुदध्रुवे महारात्रि महाविद्य नारायण नमोस्तुते वेद सरस्वती वर भूते ब्रह्मतामसि नियते त्वं प्रसिद्धेश नारायण नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते वैभस्त्रायिनो देवे दुर्गे देवे नमोस्तुते हे रक्ते वरुणं सौम्यं लोचनात्राभूषितम् पातुनः सर्वभेदेभ्यः कात्यायणि नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम् त्रिशूलं पातुनो भेदे भद्रकाले नमोस्तुते निवस्ति दशते चांसि स्वर्णा भूरयाजग साघण्टा पातुनो देवे पाप्यभ्यो नः सुतानिव असुरासर्वसापङ्कचुतस्य करज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नदा वयम् रोगानशेषा नमः चतुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां नरपानराणां त्वामाश्रिताय शतां प्रयान्ति एतादृतं य करणाद्वयाद्य धर्माद्विषां विमहासुराणां रूपे विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे श्वादेषु वाक्येषु जगादन्या मम त्वगते महान्धकारे विभ्रामयते तदतीव विश्वं रक्षासि यत्राग्रविशाचनाग यत्रारयोदासुमलानि यत्र नावारयो यात्र तथाभिमध्ये तत्र स्थितापं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरे त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारयसे विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाय त्वयि भक्ति नम्रा देवे प्रथिरपरिपालयनोऽभेत नित्यं यथा दुर्वधा जदुरेव सद्यः पापानि सर्वजगता दशमाणयाशु त्वत्पाकपाकयदि चाशमहोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवे विश्वातिहारणि त्रैलोक्यवासिनामे लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदाहं सुहृदानां वरं जन्मनशे
गच्छत कम्बणद्रम्भयच्छा मे जलदामुपकारकम् देवाचुः गर्वाबाधा प्रशानां त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भिर्विनाशनम् देव्यो वाच वेदस्यान्तरे प्राप्ते अष्टाविंशति मे युगे शुम्भान् शुम्भश्चैवान्यभूतस्येते महासुरौ गन्धगोपागृहे जाता यशोदागर्भसम्भव तदर्थो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्युतिरौद्रेण रूपेण पृथवीतले अवतीर्याणेष्यामि प्रचेत्तान् सुदानवान् पक्षयन्ताशतानुग्रां मे प्रचेत्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दानिमि कुसुमोपमा कलोमां देवतः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुवन्दो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयच्छाशवभाषिक्या मना दृष्टा मनं भसि मुनिभिः संस्तुता भूवा सम्भविष्यामि योनिजा कदाचन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् केतयिष्यन्ति मनुजा शताक्षीमिति मां तदः कदाहमखिलं लोकमात्मदेह समद्भवे हरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टैः प्राणधारकैः शाकं भवेति विख्यातं तदा यस्यामहं भुवि तत्रैव वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षासि रक्षयिष्यामि मुनिनाशनकारणात् तदा मा मुनया सर्वे सोषन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवेति विख्यातं तन्न नाम भविष्यति जनाख्यस्ते लोके महाभादं करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्कषट्पदं त्रैलोक्यस्यैकाथाय भरिष्यामि महासुरम् ब्राह्मणेति च माल्लोका शोषन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा वादादानभोत्था भविष्यति तदा तदावधेयाहं करिष्यामि संशया इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ओम विद्युदा प्रभा मृग पते कन्याभितरवालखेट विलस हस्ताभिरा सेविता हस्ते चक्रगदाधिखेट विशिका शापं गुणं दर्जने बिभ्रामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ देव्योवाच देवी समेशमान्यत्यं दोषदेयः समाहितः कस्याहं सरलाबाधां नाशेष्याम्य संशयम्
मधु कैलवनाशं च महिषासुरघातनम् एतेष्यन्ति एतद्वदं शुम्भन शुम्भयोः अशम्यां च चतुर्दश नवम्यां च एकचेतसः शोषन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोता न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वेषवियोजनम् शत्रुतो न भयं तस्या दक्षतो वा न राजतः न शस्त्रा न लतो योगा कदाचित् सम्भविष्यति तस्मामेतं माहात्म्यं वणितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्य नहितात् उपसर्गाणशेषासु महामारी समुद्भवान् कदा त्रिविधमुत्पातम् माहात्म्यं क्षमयेन्मम यत्र तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा नाशामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् परिप्रदाणे भूयायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं मयतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता मापि परिपूजां तथा कृताम् प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्यान्मङ्गतं महत्यं श्रुत्वा भवते समन्वितः सर्वभागापि निर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यमत्र सारेण भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तदा चोत्पत्त्यः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते नवः पुमान् संशयं जाते कल्याणं च उपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसा माहात्म्यं मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने पीडासु जोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाश्रमं यान्ति गृहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्ग्रादवेदेशिनीनां मैत्रे कर्णमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं वरम् रक्षोभूतपिशाचाणां पठनादेव नाशनम् सर्वं महेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पाग्रधूपे च गङ्गदीपे स्तोत्तमैः विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणे हरग्निशम् अन्ये चापि देवोदै प्रदाने दत्सरेणया धीरे क्रियते शास्त्रेण सकृत्सोचरते श्रुते शुभं हरति पापानि तथा रोग्यं प्रयच्छते रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां केतनं मम युद्धेषु चरितं जन्म दुष्टदैत्यो निवारणम् कस्मिंश्चुदवैरिकृतं वयं पुंसां जायते युष्माभिश्च याश्च ब्रह्मश्रीकृता ब्रह्मणा च कृता सासो प्रयच्छन्ते शुभं मतिम् अरण्ये प्रातरे वापि धावाणि परिवारितः कस्तुमेवावृताशोने गृहे तावापि शत्रुभिः श्रीकराज्ञानुयातो वामने वामनहस्तिभिः राज्ञानुद्धेन जाजप्त मद्यबन्धगतोऽपि वा आभूरितो वामानेन स्थिता पोते महानवे ततस्तु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे विषदारुणे सर्वभासासु घोरासु वेदनाव्यथितोऽपि वा स्मरन्ममेतच्चरितं नरमुच्चेद सङ्करात् मम प्रभावाधिघ्राध्यादस्य वो वेर्णस्तदा दूरादेव पलायन्ते स्मरस्तच्चरितं मम ऋषुवाच इत्युक्त्वा भगवते चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्र वान्दधीयत
देवदेवानिरातङ्कः स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः देव्या च देव्यान्यदेशुम्बदेवरवो यदे यद्विध्वंसने तस्मै महाग्रदुलविक्रमे ऋषुम्भे च महावीर्य शेषः पादालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः शम्भूय कुरुते भूम जगतः परिपालनम् हेयन्मोयते विश्वं चैव विश्वं प्रसूयते कायाजिता च विज्ञानं तुष्टा हृद्यं प्रयच्छति ज्ञातं दैतसकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया सेवकाले महामारे सेवश्रेष्ठभवत्या सृजन् करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकारिणीनां सेव लक्ष्मी वृद्धे वृदाग्रहे सेवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सुधा सम्पूजिता पुष्पधूपगन्धादिवे तथा गदादिवित्तं पुत्रं च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिवोवाच श्रीरा देवे प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डे जापः शुभो भवेत् नाकवचं नागला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं नासोक्तं नापि ध्यानं च नानाथो न जवाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभे हरि गुह्यतरं देवे देवानां विदुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनेव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं सम्भरोचाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्रीं चामुण्डायै विच ॐ गौं हुं क्लीं जुं सः ज्वाल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच ज्वलहं सं रक्षं वर् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपेण नमस्ते मधुमर्दिनि नमस्ते नवहारिण्य नमस्ते महिषादिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनि जागृतं हि महादेवि यपं शुद्धं कुरुष्व मे ऐकारि दृष्टिरूपाय ऐकारि प्रतिपालिका ीकारी कामरूपेण बीजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डघाति च यैकारे वरदायिनि विच्य चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि ह्रीं ह्रों दुर्जटे पत्ने रां ह्रीं गोमागधीश्वरे त्रां ह्रीं ह्रों कालिका देवे शांशेषो मे शुभं करो हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 भनादने भ्रां भ्रीं भ्रों भैरवे भद्रे भवान्ये ते नमो नमः अङ्कं चं टं तं पं यं षं भीं दुं ऐं भीं हं षं दिजाग्रं दिजाग्रम् त्रोटय त्रोटय वेतं कुरु कुरु स्वाहा तां भीं भूं पार्वते पुनां कां श्रीं कुं केचरि तथा सां श्रीं सों सप्तशते देव्या मन्त्रसिद्धं करुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रयागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी तीनां सप्तशतीं पठेत्
नातस्य जायते सिद्धि अरण्ये रोदनं यथा। श्रद्धालु भक्तजन, अभी तक श्री वेदव्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। इस स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है। विशेषतया आपके रोगों, शत्रुओं, दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा आपदुद्धारा सुगम नमस्ते शरण्य Devade Jagadana
Thank you.
क्षमा प्रार्थना अपराध सहसारे श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन परम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्त जान तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से
उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी आप ही हैं। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। और ये अवश्य में पूर्ण होती है वर्ण भक्ति भक्ति में श्रद्धा विश्वास एवं एकाग्रचित्ति हो। यह यथा माम प्रबद्यन्ते तांस तथा भजाम्य हम, मुझको जो जिस प्रकार भजता है मैं उसको वैसा ही प्राप्त होता हूँ। एवं अनन्या चचंत जंतु माम जय यना भज उपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग खेम भाम्य हम। और भक्तजन अनन्य भाव से अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करते हैं, उनका योग खेम भी मैं स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात जैसी जैसी मनोकामना भक्तजन माता जी के दरबार में लाते हैं वे वर्ष में पूर्ण होती है वर्ण भक्ति भक्ति में श्रद्धा विश्वास एवं एकाग्रचित्ति हो। एवं भवति देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगता परिपालनम। ये भवति अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। ते तन मोहित विश्वम सेव विश्वम प्रसूयते सा जाचिताज विज्ञानम तुष्टा रिद्धिम पे अच्छती। वे इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती। व्याप्तम ते तत् सगलम ब्रह्मांड मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया। महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। सेव काले महामारी सेव सृष्टि भत्या स्थितिम करोति भूतानाम सेव काले स्नातनी। वे समय पर महामारी होती और वे स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। स्नातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। भव काले निनाम सेव लक्ष्मी विद्धि परागृहे सेवा भावे तथा लक्ष्मी विनाशायोग जायते। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वही अभाव के समय दृढ़ वन का विनाश का कारण होती है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि स्तुता संपूजिता पुष्पेर दूर्गंधादि विस्तथा ददादि वित्तम पुत्रांच मदीम धर्मे गदीम शुभाम। पुष्प धूप और गंध आदि से पूर्ण करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। केवल हम ही भक्ति नहीं, स्वयं देवता भी जब घोर संकट पर जाते हैं उस समय वे भी इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण करते हैं और माता रानी जी किसी न किसी रूप में उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के प्रकट होकर के उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करती है। आप जानते हैं कि माता सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा भस्मभूत कर दिया उस समय शंकर जी विचलित हो गए थे और सती के शव को लेकर के तांडव करने लगे थे जिसमें तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई थी। फिर उन्होंने सती के स्वरूप का ध्यान करते हुए समाधि अवस्था में बिताया और उधर सती के भाव में सभी देवगण दुख रूपी समुद्र में डूब गए, सभी रोगग्रस्त हो गए, ग्रहों की दशा विपरीत हो गई, सभी अपनी मर्यादा से विस्तृत हो गए। तभी तारकासुर नाम का एक महादैत्य जिसने ब्रह्मा जी की आराधना करके ये वरदान प्राप्त कर लिया कि शंकर जी के और उस पुत्र द्वारा ही उसकी मृत्यु हो, क्योंकि वे जानता था कि शंकर जी की अर्धांगनी सती ने अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा भस्म कर दिया है, इसलिए उनका और उस पुत्र नहीं होगा और मेरी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार का कल्पित वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर चढ़ाई की और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तब सभी देवगण भयभीत हुए, ब्रह्मा जी को साथ देकर के शंकर जी को साथ देकर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए और सारा वृत्तांत उनको बताया कि किस प्रकार तारकासुर स्वर्ग का अधिष्ठाता बन गया है, महाराज उसके वध का कोई उपाय करो। उसे भगवान विष्णु ने कहा कि मणिद्वीप में सदैव जागने वाली भुवनेश्वरी देवी हम भक्तों का दुख दूर करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। निश्चय रूप से हमसे कोई गलत कार्य हुआ है जिससे उनकी हम पर अपेक्षा है, क्योंकि पुत्र से पग पग पर अपराध होता रहता है और माता की सेवा क्षमा करने वाला कौन है। इसलिए हमको उन्हीं की अविचल चरण ग्रहण करने चाहिए। स्वयं भगवान विष्णु
लक्ष्मी को साथ लेकर के, देवताओं को साथ लेकर के हिमालय पर भर गए और वहां पर उन्होंने अम्बा यज्ञ करना, पुरुषचरण करना प्रारंभ किया, जिसमें कुछ देवगण देवी सूत का पाठ करने लगे, कुछ माता जी के नाम का जाप करने लगे, कुछ समाधि अवस्था बैठ गए। इस प्रकार कई वर्ष तक आराधना चलते रही। अंत में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को शुक्रवार को श्रुतियों द्वारा प्रतिपादित एक तेज पुण्य सबके सामने प्रकट हुआ, जिसमें हजारों सूर्यों को जिसमें सूर्यों का प्रकाश था, हजारों चंद्रमा की जिसमें शीतलता थी, वो न ऊंचा न नीचा, न स्त्री रूप न पुरुष रूप में उसको देख करके देवताओं की आंखें बंद हो गई। और अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखों खोला तो सामने देखा कि सिंह पर आरूढ़ शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए दुर्गा माता जी विराजमान है, जिन्होंने लाल वस्त्र पहने हुए हैं, इनके शरीर की आभा दाढ़िम के पुष्प के समान है, उन्होंने केसर की बेदी धारण की हुई है और उनके मुख की आभा अष्टमी के चंद्रमा के समान। उनको देख करके प्रसन्नता के कारण देवताओं के कंठ रुंध हुए और फिर उन्होंने धीरे धीरे अश्रुपूर्ण नेत्रों से माता जी की आराधना प्रारंभ की। हे माँ, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति है, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति से संपन्न करके उनसे सृष्टि का सृजन पालन में संहार कराती। हे माँ, आप प्रकट हो और हमारा कष्ट दूर करो। उस समय माता जी ने मंद कोयल के ऐसे मधुर वाणी में कहा कि देवताओं, आपको किस प्रकार का कष्ट है? आपका दुख दूर करने के लिए मैं कल्प वृक्ष के समान हूँ। तब देवताओं ने कहा कि माँ, तीनों लोकों में आपसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। आप जानती हैं कि इस समय तारकासुर नाम का महादैत्य, जिसने ब्रह्मा जी की आराधना करके ये वरदान प्राप्त किया है कि शंकर जी के और उस पुत्र द्वारा इसकी मृत्यु होगी, और ऐसा वरदान प्राप्त करके उसने हमको घर से जो स्वर्ग से निकाल दिया है। इसलिए माँ, आप प्रकट हों। और दूसरी हमारी आपसे ये विनती है कि आपके चरणों में हमारी अविचल भक्ति सदैव बने रहे। माता ने कहा कि गौरी नाम की मेरी जो शक्ति है वो हिमालय के घर में पैदा होगी, क्योंकि हिमालय बड़े मनोयोग से मेरी आराधना कर रहा है, इसलिए उसके घर में पुत्री रूप में उत्पन्न होना मैंने स्वीकार किया है। आप ऐसा यत्न करना कि वो गौरी शंकर जी को प्राप्त हो और मेरे चरणों में आपकी भक्ति सदैव बनी रहेगी। वहाँ हिमालय भी अपने प्रति ऐसे शब्द सुन रहे, तब उन्होंने रुंधे हुए कंठ से अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, हे माँ, जिसको आप बड़ा बनाना चाहती हैं, कहाँ मैं जड़ संस्थान हूँ मैं हिमालय, और कहाँ सच्चरण स्वरूपिणी आप, क्योंकि जिनके उधर में करोड़ों ब्रह्मांड स्थित हैं, वही जब मेरे घर में पुत्री रूप में उत्पन्न होगी तो मेरे समान धन्य कौन होगा? हजारों अश्वमेध यज्ञों असमाधियों द्वारा भी आपको पुत्री रूप में पाना कठिन है। इस प्रकार समय अनुसार गौरी शक्ति हिमालय के घर में पैदा हुई, वो शंकर जी को प्राप्त हुई और उनके घर में कार्तिकेय महाराज जी हुए और उन्होंने मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को तारकासुर का वध किया। तब देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वृष्टि की, उस समय उनका अभिषेक भी किया गया। कहने का तात्पर्य यही है कि हम भक्ति नहीं, देवता भी आप घोर संकट पड़ जाते हैं, उस समय वे भी जब इन दुर्गा माता की आराधना करते हैं तो हमको क्यों नहीं करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए, विशेष रूप से इस कलिकाल में जब केवल उन्हीं का प्रताप है। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनका उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महान सरस्वती जी आदि काल से इस दिव्य गुफा में संयुक्त रूप में केवल यही विराजमान होती आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्तियां जड़ मूल से एक हैं, उपाय के तीन स्वरूप, और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, जनावत ग्रहण करते हैं और इन्हीं के साथ माया हाथ पाड़ी पार प्राकृत रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुकता प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं विच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवार मंत्र का उच्चारण माता जी चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडारे विच्छे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडारे विच्छे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडा देवीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवीचे सतिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रतिष्ठान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं तो अपने मन में सुन जो माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तर उत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मनिंद्र जी से अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मनिंद्र। जयकारा शेरा वाली जी दा दरबार की जय। आओ भक्तों माँ की आज मूरत सजा लो, भक्तों माँ की आज मूरत सजा लो, बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी बना कश्ती की नारे लगाई
अष्टि किनारे लगाए चरणों में मैया के सर को झुका लो 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 बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी बना लो बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी आज मूरत सजा लो आओ भक्तों बाकी आज मूरत सजा लो आओ भक्तों बाकी आज मूरत सजा लो बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी बना 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 छट जाएंगे दुख के बादल घनेरे छट जाएंगे तुम पे बादल घनेरे छट जाएंगे दुख के बादल घनेरे छट जाएंगे तुम पे ये बादल घनेरे कट जाएंगे तेरे जन्मों के फेरे कट जाएंगे तेरे जन्मों के फेरे कट जाएंगे जाएंगे तेरे जन्मों के फेर एक प्यार से जोत तुम भी जगा लो इस प्यार से जोत तुम भी जगा लो एक प्यार से जोत तुम भी जगा लो एक प्यार से जोत तुम भी जगा लो बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी बना लो बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी बना लो बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी बना आओ भक्तों बाकी आज मूरत सजा लो 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 बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी बना हाँ बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी बना लो बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी बना कर चाहते हो तुम प्यार माना 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 कभी कोई गम ना छुपाना खुशियों के फूल तुम मन में खिला लो 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 बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी आज मूरत सजा लो आओ भक्तों बाकी आज मूरत सजा लो आओ भक्तों बाकी आज मूरत सजा लो बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी बना लो बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी बना लो बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी बना लो बिगड़ी
प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल। जय तारा बोल सच्चे दरबार की जय। दाती दे दरबारे दुख भोला नाता की करा। 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 कर्म कंदे पाप पुण्य 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 भोला नाता की करा। सारे खोला नाता की तरह। दाती दे दरबारे दुख भोला 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 नाता की तरह। ओ ऐसे सूहे चोले ने बजाई हजे लाली मेरी। सूहे चोले ने बधाई आज लाली मेरी। मेरे अंग संग वीर करे रखवाली मेरी। मेरे अंग संग फिर करे रखवाली मेरी। ओ है दे सूहे चोले ने बधाई आज लाली है। दे सूहे चोले ने बधाई आज लाली मेरी। मेरे अंग संग फिर करे रखवाली संग फिर कर रखवाली मेरी। है दे चरणा बिच जिंद रोला नाता की करा। है दे चरणा बिच जिंद रोला नाता की करा। है दे चरणा बिच जिंद रोला नाता की करा। है दे चरणा बिच जिंद रोला नाता की करा। सारे औकड़ा मैया मेरी करिए। सारे
मेरी सजदी ओ ऐ दे बाजो दसो मैनू टोला ना की करा ऐ दे बाजो दसो मैनू टोला ना का की करा ऐ दे बाजो दसो मैनू टोला ना का की करा ऐ दे बाजो दसो मैनू टोला ना का की करा चमन दुखड़े में काम दी ओ मैं भी ऐसे जय जयकारे बोला ना का की करा मैं भी ऐसे जय जयकारे बोला ना का की करा मैं भी ऐसे जय जयकारे बोला ना का की करा मैं भी ऐसे जय जयकारे बोला ना का की करा धर्म कंडे पाप पुन तोला ना ता की करा धर्म कंडे पाप पुन तोला ना ता की करा धर्म कंडे पाप पुन तोला ना ता की करा हो दाती दे दवारे दुख बोला ना ता की करा दाती दे दवारे दुख बोला ना ता की करा दाती दे दवारे दुख बोला ना ता की करा दाती दे दवारे दुख बोला ना ता की करा दाती दे दवारे दुख बोला ना ता की करा 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 जय कर शरम बोल सच्चे दरबार की जय एक दिन सत कर शीघा कर जयकारा शिदवलिदा बोल सच्चे दरबार की जय मेरा किसे ना पूछे आ
ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਐਸਾ
भोग जिस दी दवा न कोई वैद मां लगे ऐसा रोग जिस दी दवा न कोई वैद मां जे तू जामे मुक भी सकदी जन्म दी कैद मां जे तू जामे मुक भी सकदी दीदार दे लखा पापी तरगे ने मैनू भी मदार दे लखा पापी तरगे ने मैनू भी मदार दे लखा पापी तरगे ने मैनू भी मदार दे जीव तेरा लाल मां मैनू लाजना दे लाल मां जीव तेरा लाल मां मैनू लाजना दे मेरा किसे न पुछया हाल मां मैनू लाजना दे नाल मां मेरा किसे न पुछया जयकारा शेरा वाली नाली बोल सच्चे दरबार की जय ओम सिंहस्था शशि शेखरा मरकत कक्षे चतुर्भिर्गुरे कंकं चक्रधनुचरांश ददति नेत्रे स्त्रीभिः शोभिता आमुक्ताङ्गदहार कङ्कणरणत् काञ्चीरनन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलतत्कुण्डला सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के इस दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्तादित्या रुद्रा वसवा समिंददान पुनर्ब्रह्मानो वसुनीथ जने कृतेन संतन्न वर्धयस्य सत्या संतु जरमानस कामा मंत्रार्था सबला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुना बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तु श्रीवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्सवत्सं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तगण उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंत पे सभी आरती है, सभी बोलिएगा। ओम जय अम्बे गौर मैया जय रामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी तुम को निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा हरि हरि ओम जय अम्बे गौर
मद को ओ जल से दो नैना ओ जल से दो नैना चंद वदन दे ओम जय अम्बे कनक समान कले कांवर राजे रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे हे हरि वाहन राज खड़गथ पर धारे मैया खड़गथ पर धारे वाली
जयकारा श्री राम वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता की आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, आवे वेला जय माता दी, सत्या वेला जय माता दी, आरती वेला जय माता दी, आप बुलांदे जय माता दी, कष्ट कटांदे जय माता दी, पूजा करदे जय माता दी, ढोलिया वजांदे जय माता दी, घरे खजाने जय माता दी, सोला आदे जय माता दी, गोगा वजांदे जय माता दी, पीर जंदे जय माता दी, लाल जंदे जय माता दी, पाणे सुनिया जय माता दी, खुशी बोलो जय माता दी, हाथ बोलो जय माता दी, ताली बजाते जय माता दी, गोगा वजांदे जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, सोलिया वाली जय माता दी, सुनिया वाली जय माता दी, पूरिया वाली जय माता दी, हाड़ा वाली जय माता दी, मुंडा वाली जय माता दी, कटिया वाली जय माता दी, खंडिया वाली जय माता दी, बारा वाली जय माता दी, भवना वाली जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, गुफा वाली जय माता दी, हाथ जवानी जय माता दी, कुंतलानी जय माता दी, मामा रानी जय माता दी, गुंडी रानी जय माता दी, वैष्णो देवी जय माता दी, सच्चिया जोड़ा वाली माता राम वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तगण दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय मां, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैं आठ पैर जो सठ गड़ी दियो चरणा दा ध्यान, जय Thank you.
पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।